ولا يحل لهم أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر فبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم صدق الله العظيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد تمام قسم کی حمد و ثنا تعریف کبریائے بڑائی اسے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ساری کائنات کا خالق مالک میرا اور آپ کا مربی ہے اسے اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں جو غفور ہے غفار ہے کریم ہے ستار ہے بعد اس کے آپ کے میرے آقا جو جہاں کے سردار سردار الانبیاء پر کروڑہ کروڑ منزلت بے شمار درود و سلام صلی اللہ علی محمد وسلم قابل احترام بزرگوں عزیز دوستوں نوجوان ساتھیوں آج میں نے جس آیت کی تلاوت کی ہے یہ آیت ہمارے علمی کارواں کا ایک اور پڑاؤ ہے ہمارے سلسلہ وار درس کی اگلی کڑی سورہ بقرہ سورہ نمبر دو پارہ نمبر دو اس کے رکوع نمبر 28 کی یہ سب سے آخری آیت ہے آیت نمبر 228 رکوع نمبر 28 کی آیت نمبر 228 لگاتار قریب تین یا چار ہفتوں سے ازدواجی زندگی سے جڑے ہوئے مسائل پر قرآن مجید کی آیتوں کا مطالعہ اس پر غور و فکر اور اس کا درس ہم سن رہے ہیں یہاں تک کہ رکوع نمبر 28 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حیض کے مسائل بیان کیے اور ایسے دنوں میں اپنی بیویوں سے دور رہنے یعنی مجامعت نہ کرنے کا اللہ نے حکم دیا پھر اس کے بعد کس طرح اپنی بیویوں سے مجامعت کی جائے اس کا طور اور طریقہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سکھایا پھر اس کے بعد دیکھیے کیا ربط ہے کیا ترتیب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیان کرنے میں سب سے پہلے تو حیض کے مسائل اور کہا کہ اس درمیان نہ جاؤ ان کے قریب یعنی کہ مجامعت نہ کرو اور بہت ساری اجازتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہیں اور احادیث میں جس کا ذکر آیا ہے وہ بھی میں نے آپ کے آگے بیان کیا پھر اس کے بعد جب جانے کی اجازت مل گئی یعنی عورت جب پاک ہو گئی تو کس طرح اس سے مجامعت کی جائے کون سی پوزیشنیں ہیں جن کو اختیار کیا جا سکتا ہے اس کا ذکر اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا پھر اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک بہت بڑا مضمون اللہ تبارک تعالیٰ لینے والا ہے تو قسم کے تعلق سے اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان کیا
कि कसम क्या है और किस किस्म की कसम खाए, किस किस्म की कसम न खाए। फिर उसके बाद कसम ही में से, हलफ ही में से एक हलफ जिसको ईदा कहते हैं, ईदा के मसाइल अल्लाह तबारक तआला ने बयान किए जो मियाँ बीवी के यानी इज़्दवाजी जिंदगी से जुड़े हुए थे, उन मसाइल का जिक्र अल्लाह तबारक तआला ने किया। अब गोया कि इस सफर की शुरुआत जो इज़्दवाजी जिंदगी से जुड़ा हुआ है, इसकी शुरुआत हुई थी औरत के हाइजा होने से। औरत हाइजा हो गई, वहां से इज़्दवाजी जिंदगी की शुरुआत हुई थी। जब वो पाक हो गई तो मुजामअत के मसाइल अल्लाह तआला ने बयान किए। फिर इस दरमियान अगर मियाँ बीवी में तनाव पैदा होता है, किसी बात पर झगड़ा हो जाता है, तो अल्लाह तबारक ताला ने कसम के मसाइल बयान किए, बिलखुसूस हलफ कसम ईदा के मसाइल अल्लाह ने बयान किए, जिसमें शोहर को इजाज़त दी गई कि वो ज़्यादा से ज़्यादा 4 महीने तक अपनी बीवी से इज़्दवाजी ताल्लुक न रखे, जिनसी ताल्लुक न रखे। अब कसम खाना चाहे तो ये उसकी ज्यादा से ज्यादा मुद्दत है। जब अल्लाह तआला ने यहां तक के मसाइल बयान किए कि मियाँ बीवी 4 महीने से ज्यादा तक ताल्लुकात नहीं किए हुए हैं, तो हो सकता है अब इसके बाद तलाक की नौबत आए, क्योंकि ईला के मसाइल में हमने ये जाना कि 4 महीने के बाद शोहर को चाहिए कि या तो अपने बीवी से रुजू कर ले, और अगर कसम 4 महीने से ज्यादा की खाई है तो कसम का कफारा अदा कर दे, या फिर अपनी बीवी को तलाक दे दे। तो ईला के मसाइल में तलाक का मसला छिड़ चुका था, तलाक का मसला अल्लाह तबारक तआला ने बयान कर दिया था। अब आयत नंबर 228 में और यहां तक के ईला के मसाइल में भी अल्लाह तबारक तआला ने यह बात भी कही थी, आयत नंबर 227 की इब्तिदा में ही, व इन अज़मुत तलाक, अगर तुम तलाक का ही इरादा कर लो, गोया कि अल्लाह ने यह कह दिया था 4 महीने तक अगर तुम अपनी बीवी से इज़्दवाजी ताल्लुकात नहीं रख सके, नहीं रखना चाहते, नहीं रखा तुमने, तो तलाक ही दे दो। तो गोया कि अल्लाह ने तलाक के मसाइल की शुरुआत अल्लाह ने की थी। तो आज आयत नंबर 228 में अल्लाह तबारक ताला ने तलाक के मसाइल का जिक्र किया, बिलखुसूस आयत नंबर 228 के अंदर जो कि आज की 10वीं आयत है। अल्लाह तबारक ताला ने तलाक के मसाइल की जो असल जान होती है उसका जिक्र किया है। यानी अगर कोई शख्स तलाक के मसाइल को जानना चाहता है उसकी बुनियाद से, तो ये आयत नंबर 228 उसको समझनी चाहिए। आइए आयत नंबर 228 की तरफ बढ़ते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि अल्लाह तबारक ताला हमें आयत नंबर 228 के जरिए से तलाक के ताल्लुक से हमें क्या तस्वूर देता है, क्या अकीदा देता है, क्या इल्म देता है, क्या हुक्म अल्लाह तबारक ताला देता है, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आयत को किस तरह समझाते हैं, सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम इस आयत को उन्होंने किस तरह समझा और उन्होंने किस तरह हम तक पहुँचाया, इसका हम बगौर मुतालिया करेंगे। सूरह बकरा सूरह नंबर 2 पारा नंबर 2 रुकन नंबर 28 की आखिरी आयत आयत नंबर 228 अल्लाह तबारक तआला कहता है वल मुतल्लफात, और तलाक शुदा औरतें, और वो तलाक शुदा औरतें, क्योंकि अलिफ लाम आ गए ना, वल मुतल्लकात यानी और वो तल्लाकशुदा यानी जिन किसी तल्लाकशुदा औरतों की तरफ इशारा है जो उनकी तल्लाक हो चुकी है, इसलिए अल्लाह है वल मुतल्लकात और वो तल्लाकशुदा औरतें जिनकी तल्लाक जिनको तलाक दे दिया गया, यानी इशारा इसमें तलाक दिए जाने का है,
जो तलाक होकर अलग हो गए उनका जिक्र नहीं है। वल मुतल्लकात यानी वो औरतें जो तलाक दी गई है, तलाक मुकम्मल नहीं हुई अभी तक, तलाक दी गई है जिसकी इब्तिदा हुई है, आइए साहब का तर्जुमा देख लेते हैं। यतरब्बसन बिअन्फुसिहिन्न, तलाक शुदा औरतें यतरब्बसन अपने आप को रोके रखे, अपने आप को रोके रखे, ऐसा कि यही यतरब्बसन लफ्ज आयत में 226 में अल्लाह ने इस्तेमाल किया और कहा लिल्लज़ीन युलून मिन निसाइहिम तरब्बसु अरबअति अशहुर, जो शोहर जो खाविंद अपने बीवी से न मिलने की कसम खा ले वो 4 महीने अपने आप को रोक ले, है ना, वही लफ्ज है 226 के अंदर अल्लाह इस्तेमाल किया, 227 के अंदर भी अल्लाह वही लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है। वल मुतल्लकात यतरब्बसन, तलाक शुदा औरतें जिनको तलाक दी गई है, वो औरतें जिन्हें तलाक दी गई है, या तो रब्बसन अपने आप को रोके रखे, या तो रब्बसन भी अनफुसिहिन्न यानी अपने आप को, अनफुसिहिन्न अपने आप को रोके रखे, तलाक वाहिदुन एक, इत्नानुन दो, तलासतुन तीन, अरबातुन चार, खमसुन पांच, सित्तुन छः, इस तरह अरबी की है गिनती है अदद, तलासतुन यानी तीन पुरु का तर्जुमा क्या करें, पुरु कहते हैं मुद्दत को, एक आम तौर पर अरबी जुबान में पुरु कहते हैं मुद्दत, तीन मुद्दत, अगर उसी मुद्दत के मीम को ऐन से बदल दे तो तीन इद्दत, अपने आप को रोके रखे तीन इद्दत गुजरने तक। आमतौर पर आपको कुरान मजीद की बहुत सारे तराजिम में ये तर्जुमा मिलेगा कि वो मुतल्लिका औरतें जिन्हें तलाक दी गई वो अपने आप को तीन इद्दत रोके रखे, किस चीज से, निकाह से, तलाक दी गई अब किसी और से निकाह करना है तो अपने आप को रोके रखे जब तक के तीन कुरु तीन इद्दतें ना गुजर जाए। वला यहिल्लु लहुन्न अन यक्तुम्न मा खलकल्लाहु फी अरहामिहिन्न, यहां अल्लाह तआला ने हिन मुतल्लिका औरतों को, मुतल्लका औरतों को अल्लाह तआला ने हुक्म दिया और कहा वला यहिल्लु लहुन्न, ऐसी मुतल्लका औरतों को कोई हक नहीं है, हलाल नहीं है, इनके लिए जायज नहीं है अन यक्तुम्न कि वो छुपाए मा खलकल्लाहु जो अल्लाह ने पैदा किया है फी अरहामिहिन्न जो इनके पेटों में है, इन मुतल्लका औरतों को ये हलाल नहीं, जायज नहीं, रवा नहीं कि वो उस चीज को छुपाए जो अल्लाह ने इनके पेटों में अल्लाह ने पैदा किया है। इन कुन्ना युमिन्न बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, अगर ये अल्लाह पर और आखिरत पर ईमान रखने वाली है तो उनके लिए हलाल नहीं है, जायज नहीं है। وبعولتهن حق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، وبعولتهن اور ان کے جو خاوند ہیں، دیکھیں کس کا تذکرہ ہوا، متلقہ عورت اور ذکر ہو رہا ہے اس کے خاوند کا، معلوم ہوا کہ وہ متلقہ نہیں ہے جس کی طلاق مکمل ہو گئی، ये वो मुतल्लका है जो अभी मुअल्लका है, ये वो मुतल्लका है जो अभी मुअल्लका है यानी अभी आधार लटकी हुई है, न इधर है न उधर है। ये अल्लाह की हिकमत है कि क्यों अल्लाह तबारक तआला ने ऐसा तलाक का
مسئلہ اللہ نے بیان کیا کہ آدمی کہیں معلق رکھا اور عورت کہیں معلق رکھا اس درمیان. بہت ساری حکمتیں اللہ تبارک تعالیٰ کی, بہت ساری حکمتیں ہیں. بالخصوص اگر اللہ کے احکامات پر عمل کیا جائے تو حقیقتاً ان کی حقیقتیں واضح ہو جائیں گی. اللہ کے احکامات پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے, اللہ کے اس بتائے ہوئے طریقہ جو طلاق کا ہے اس پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے آج ہمیں طلاق کے اس طریقے سے بھی نفرت ہو گئی ہے. اور طلاق کا طریقہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے. کیا کہا اللہ نے, وَبُعُولَتُهُنَّ, اور ان کے خاوند, ان کی طلاق ہو گئی ہے, یہ معلقہ ہے, ابھی ادر ہے, احق بردہن, ان کو حق ہے کہ وہ رجوع کریں ان کی طرف, جن کو طلاق دی گئی ہے ان کو رجوع کریں, فی ذلک ان اراد اصلاح, اگر وہ چاہتے ہیں کہ اصلاح ہو جائے, پھر سے گھر بس جائے, تو ان کے شوہروں کو حق ہے کہ وہ رجوع کریں. انشاءاللہ یہاں تک ہی آج ہمارا درس رہے گا. آئیے آیت کو مکمل کروں, اس کا ترجمہ کروں. وَلَهُنَّ, اور ان عورتوں کے لیے, اب عام عورتوں کی طرف اشارہ ہے, اسے متعلقہ نہیں, عام عورتوں کی طرف اشارہ ہے. وَلَهُنَّ, اور ان عورتوں کے لیے, مثل, ایسا ہی ہے, الَّذِي عَلَيْهِنَّ, جیسا کہ ان پر تھا, بالمعروف, عورتوں کو بھی ویسا ہی حق ہے جیسا ان پر حق تھا مردوں کا. یعنی مردوں کا جیسا حق ہے ویسا عورتوں کا بھی حق ہے, حقوق دونوں کے ایک جیسے ہیں, کافی حد تک ملتے جلتے ہیں. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ, صرف مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ فوقیت ہے. کیا حکمتیں ہیں اس کی, انشاءاللہ اس کو ہم آئندہ درس میں دیکھیں. واللہ عزیز حکیم, بے شک اللہ تبارک و تعالی ہے, بے شک لفظ نہیں ہے, واللہ یعنی اور اللہ تبارک و تعالی, عزیز حکیم, بڑا زبردست حکمت والا ہے. کیا صفات اللہ تبارک و تعالی استعمال کرتا ہے, دیکھیے طلاق کے مسائل اتنی حکمت سے پر مسائل اللہ تبارک و تعالی بیان کر رہا ہے اس دواجی زندگی پر. راخر جا کر کہتا ہے اللہ زبردست ہے, معلوم ہے اللہ کو کہ کس وقت کیسے مسائل بیان کیے جائے اور کن مسائل میں کس قسم کی حکمت اختیار کی جائے. حکیم حکمت والا بھی, عزیز بھی ہے, مطلب یہ کہ احکامات کا بیان کر دینے کے بعد اگر کوئی اس پر عمل نہ کرے تو اللہ زبردست ہے, پکڑنے والا بھی ہے, انتقام بھی لینے والا ہے, حکیم بھی ہے. حکمتیں بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی بہت ساری ہیں, احکامات کے بیان کرنے میں بھی حکمت ہے, بندوں کے پکڑنے میں بھی حکمت ہے, بندوں کو ڈھیل دینے میں بھی کیا رب کی حکمت ہے. عزیز و حکیم زبردست ہے اور حکمتوں والا ہے. آیت نمبر 228 یہاں پر مکمل ہوئی. آئیے اس آیت کے اجزاء کو اور ٹکڑوں کو ہم سمجھتے ہوئے چلیں. سب سے پہلے اللہ نے کہا, سب سے پہلا لفظ آیت نمبر 228 کا یہ ہے, والمطلقات, مطلقہ کی جمع مطلقات, یعنی وہ عورتیں جو طلاق شدہ ہیں, طلاق دی گئی ہیں. یہاں پہ پھر سے اس بات پر زور دے رہا ہوں, یہاں پر معنی یہ نہیں ہے طلاق شدہ سے مراد طلاق ہو گئی اور میاں بیوی دونوں الگ ہو گئے, یہ معنی نہیں ہے. یہ متعلقہ معلقہ ہے, ابھی اس کو مکمل طور پر اپنے شوہر سے جدا نہیں ہوئی. یہ المتعلقات, اس میں کون سی متعلقہ عورت ہے جس کا ذکر یہاں نہیں ہے, پہلے یہ جان لیتے ہیں کون سی متعلقہ عورت ہے جس کا ذکر یہاں نہیں ہے. نمبر ایک, اس میں حاملہ عورت کا ذکر نہیں ہے. حاملہ ہے ایسی جس پر طلاق ہوئی ہے, طلاق واقع ہو گئی, اس کا ذکر اس میں نہیں ہے. اور کس کا نہیں ہے؟ جو دخول سے قبل طلاق دے دی گئی اس کا بھی ذکر اس آیت میں نہیں ہے. دخول سے قبل, انٹرکورس سے قبل
इंटरकोर्स से पहले अगर किसी को तलाक दी जाए उसका भी जिक्र इस आयत में नहीं है। इसमें किस मुतल्लका का जिक्र है, किस औरत का जिक्र है? इसमें मदखूला मुतल्लका का जिक्र है, यानी वो औरत जिसको तलाक दी गई मगर उसके साथ दुखूल किया गया, उसके साथ इंटरकोर्स किया गया, उसके साथ इज्दवाजी जिंदगी के ताल्लुकात रखे गए, उसके साथ जिंसी ताल्लुकात रखे गए हैं, ऐसी मदखूला मुतल्लका का बयान इस आयत में मौजूद है। आइए कुछ तलाक के ताल्लुक से मालूमात हासिल करें ताकि आगे की आयत हमें समझ में आ जाए। तलाक की कुल तीन किस्में, तलाक की कुल तीन किस्में। एक मसनून तलाक, मुतल्लिका औरतों का मसला चल रहा है ना, तलाक शुदा औरतों का मसला चल रहा है, तलाक के मसाइल अल्लाह तआला यहाँ पर जिक्र कर रहा है। रही मसाइल आगे बहुत सी अगर बहुत सी जगह पर आ रहे हैं, यहाँ से तलाक के मसाइल की इब्तिदा है, इसलिए यहीं पर मैं ये मसला समझा रहा हूँ कि एक तलाक होती है मसनून तलाक, इन सुन्नत के मुताबिक तलाक देना, जिसका जिक्र आज की आयत में हम बहुत तफसील इंशाल्लाह जानने की कोशिश करेंगे, इसलिए इसके बारे में मैं बयान नहीं कर रहा। नंबर दो, गैर मसनून तलाक, यानी ऐसी तलाक जो गैर मसनून है, सुन्नत के मुताबिक नहीं है। इसकी मिसाल सिर्फ दे रहा हूं, गैर मसनून तलाक यानी दौरान हैज, अगर औरत को तलाक देता है तो वो गैर मसनून, सुन्नत के मुताबिक नहीं है। दौरान हैज, औरत को हैज है, हैज से है, औरत हाइजा है, उसको तलाक दे, ये दुरुस्त नहीं है, तलाक नहीं देना चाहिए, सुन्नत के मुताबिक नहीं है। और जो सुने मेरे अल्फाज को, और आज का बड़ा अहम मौजू है, वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह मसाइल के मामले में मैं बारहा खुद भी मोहतात रहता हूँ और कहता भी हूँ कि बगौर सुने और कोई दरमियान में उठकर न जाए, क्योंकि अल्फाज में जरा भी आगे पीछे हो जाता है तो मसले का कुछ बन सकता है। तो गैर मसनून तलाक किसको कहते हैं? औरत के हैज की हालत में अगर उसको तलाक दे तो ये क्या गैर मसनून है, सुन्नत के मुताबिक तलाक नहीं है। और फिर इसी तरह जिस तोहर में जिमा किया गया है उस तोहर में तलाक देना ये भी गैर मसनून है। हैज का तो मसला मालूम हो गया, तोहर किसको कहते हैं? औरत जब हैज से पाक हो जाती है तो 17, 18 दिन, 19 दिन, 22 दिन, जितने भी दिन वो पाक रहेगी दूसरा हैज आने तक, ये तोहर के दिन है, उसके पाकी के दिन है। इन पाकी के दिनों में अगर उसने अपने बीवी से दुखूल किया है, जिनसी ताल्लुका अगर रखे हैं, इंटरकोर्स अगर उसने किया है, तो इंटरकोर्स करने के बाद तलाक नहीं देना चाहिए, ये गैर मसनून है, सुन्नत के मुताबिक नहीं है। जब सवाल खड़ा हो जाता है तलाक हुई क्या नहीं हुई, तलाक होती कि नहीं होती, तलाक हो जाती है, मगर ऐसा शख्स बहुत बड़ा गुनहगार है, तो हैज की हालत अपनी बीवी को तलाक दे और तोहर में अगर मुजामात करे और तलाक दे, ऐसा शख्स बहुत बड़ा गुनहगार है, मगर तलाक वाकया हो जाती है। तो गैर मसनून, इसलिए इसको क्या कहा जा रहा है? गैर मसनून, तलाक तो है, सुन्नत के मुताबिक नहीं है, तलाक वाकया हो रही है। नंबर तीसरा, बातिल तलाक, ऐसी तलाक जो बातिल है, इसका कोई वजूद ही नहीं, इसका कोई वेटेज ही नहीं है, उसकी चंद मिसालें दे रहा हूं। नंबर एक, निकाह से पहले तलाक, ऐसी मंगनी हुई थी अभी निकाह भी नहीं हुआ, कह जाके तलाक तलाक तलाक, ये ऐसी तलाक क्या है? बातिल, झूठी तलाक। इसी तरह जबरदस्ती दिलाई गई तलाक, खासकर तो मास्टर में यही माहौल चल रहा है, जरा जरा सी बात में मियां बीवी के दरमियान झगड़े हो जाते हैं, लड़की कहती है क्या मुझे बस फौरन जाना है आदमी के घर, वहां जाती
अम्मी क्या बता आपको, वो क्या क्या कह रहे थे आपको और अब्बू को। अच्छा अभी तो इसको इसकी औकात बता देंगे, बात इतनी सी होती है और बात कहाँ तक पहुंच जाती है, औकात तक। जबरदस्ती तलाक दिलवाने के लिए लड़की का पूरा खानदान लड़के वालों पर जबरदस्ती करता है। ऐसे मामला माहौल में होते हैं तो जबरदस्ती दी गई तलाक या किसी किस्म का प्रेशर डालकर अगर तलाक दिलवाई जाए ये बातिल है। इसी तरह नाबालिग मजनून और मदहोश का तलाक जो है ये भी बातिल है, काउंट नहीं होता, बातिल झूठा है, काउंट नहीं होता है वो तलाक। नाबालिग बालिग ही नहीं हुआ है। इसी तरह जो मजनून है पागल है उसकी तलाक भी नहीं गिनी जाएगी। इसी तरह जो मदहोश है जो होश में नहीं है उसकी भी तलाक नहीं गिनी जाएगी। इसी तरह दिल में दी गई तलाक कहाँ पे, गलत तो नहीं सुन लिए, दिन में नहीं दिल में दी गई तलाक। आपको बोलेंगे हर्टली जिसको बोलते हैं, अरे वो तो में सबसे दिल से दिया होगा उसने। हर्टली नहीं है वो, दिल में, यानी सिर्फ दिल में कह दिया, जुबान से अल्फाज उसने अदा नहीं किए, ऐसी भी तलाक बातिल है। इसी तरह अब आप हंसेंगे, आखिरी बात गैर बीवी को तलाक, जब बीवी आई नहीं उसको तलाक, ये भी क्या है, बातिल तलाक, इसका भी कोई वेटेज नहीं। ये सब क्या है, बातिल तलाक की चंद मिसालें मैंने आपके आगे रखा। अब आइए चलते हैं मसनून तलाक जिसका जिक्र आयत नंबर 228 में अल्लाह तआला कर रहा है। मसनून तलाक कहते हैं किसको, मसनून तलाक कहते हैं हैज से, औरत हैज से पाक होने के बाद जबकि बीवी से सोहबत न की हो, हैज से पाक होने के बाद जबकि बीवी से सोहबत न की हो, हालत तोहर में बीवी को एक तलाक देनी चाहिए। दौराने इद्दत बीवी को, यानी दौराने इद्दत जो इद्दत दी गई है जो सुन्नत तरीके के मुताबिक है, इस दरमियान बीवी को सिर्फ एक तलाक दे, ये मसनून तलाक। अब ये लफ्ज या इस किस्म की तशरीह, इस किस्म की तफसीर ये कोई नई और अनोखी नहीं है। जब से ये आयतें नाजिल हुई है, इस किस्म की आयतें और अहादीस किताबें मौजूद है, तब से ये माना, ये तफसीर, ये तशरी बयान की जा रही है मसनून तलाक की। तो कहे लोग ये ना समझे, पता नहीं आजकल कैसे कैसे लोग पैदा हो गए, कुरान को अपने अपने माने और मफाहिम लोगों को समझा रहे हैं, ऐसा कोई तरीका है तलाक का। मैं कह रहा हूँ ये आज का नहीं है, ये तलाक का मसनून तरीका तब से जब से तलाक की आयतें नाजिल हुई है, बहुत जमाने से। तो तलाक मसनून तलाक किसको कहते हैं, जब बीवी हैज से पाक हो जाए और हालत तोहर में सोहबत न की हो, तो इस दरमियान जो एक तलाक दी जाती है वो मसनून है। इसमें एक नुक्ता और बड़ा अहम है, इंशाल्लाह इस पर हम और तफसीली रोशनी डालेंगे, वो ये किस दौरान इद्दत में, वो इद्दत क्या है, सलाहत कुरू, तीन तोहर, तीन हैज, इंशाल्लाह उसकी तफसील आगे बयान करूंगा। इस इद्दत में शोहर अपने बीवी को अपने घर पर रखेगा और उसके नान और नफ्ते का जिम्मेदार होगा। और अहम नुक्ता है, क्या है, मसनून तलाक में, मसनून तलाक, सुन्नत वाली तलाक, मसनून निकाह हो सकता तो मसनून तलाक क्यों नहीं हो सकता, है ना। जब निकाह के रुकते पे मसनून निकाह लिखा जा सकता है तो मसनून तलाक क्यों नहीं हो सकती, हैरत होती है मुझे। आज मसनून तलाक का नाम सुनते ही बहुत सारे लोगों के रोंगटे खड़े हैं, ऐसा कैसा, हमको नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, हमने बोल दिए तो बोल दिए। आप नींद में बोले, क्या जागने में बोले, क्या शराब पी के बोले, क्या बेहोशी में बोले, क्या
इंटरनेट पे बोलते हैं, जहां से बोले बोले हमने, बस हो गई तो हो गई। अच्छा मसनून निकाह हो सकता है तो मसनून तलाक भी हो सकती है, और वो ये है कि बीवी हैज से पाक हो और हालत है तो हमें सोबत न की हो, तो एक तलाक दे, एक तलाक के बाद तीन तोहर तक यानी तीन हैज आने तक उस बीवी को अपने साथ घर में रखे, खिलाए पिलाए, जब तीन तोहर पूरे मुकम्मल हो जाए तो उसकी जो तलाक वो हकीकतन वाक्य हो जाती है, फिर उस बीवी को हक है कि वो किसी और शोहर से निकाह कर सकता है, किसी और शोहर से निकाह कर सकती है। ये क्या है? मसनून तलाक का तरीका। इसकी तफसील हम और आगे बढ़े, देखें अल्लाह सुब्हान व तआला कहता है والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، اور وہ مدخولہ مطلقہ عورتیں جنہیں طلاق دی گئی، یا تو ربصن اپنے آپ کو روکے رکھے، یا تو ربصن انفسہن اپنے آپ کو روکے رکھے دوسرے نکاح کے لیے، قرو تین قرو تک۔ اب قرو کس کو کہتے ہیں؟ قرو کہتے ہیں تین حیض یا تین طہر، دونوں معنی اس لفظ میں موجود ہیں، حالانکہ بعض علمی کتابوں میں یہ بھی ایک مباحثہ ہے کہ بہت لمبی چوڑی بحثیں آپ کو ملیں گی احادیث کی روشنی میں، دلائل کی روشنی میں، کہ قرو کا معنی تین حیض ہے یا طہر، طہر حیض اور طہر کا معنی مفہوم تو سمجھ جائیں گے، حیض تو عورت کی حیض کی حالت ہے، ایم سی کا پیریڈ ہے، اور طہر مطلب حیض سے پاک ہونے کے بعد دوسرا حیض آنے تک کا جو وقفہ ہے، جو پیریڈ ہے، وہ حالت طہر۔ تو قرو کا مطلب حیض ہے یا طہر، اس میں کافی اختلاف ہمیں ملے گا، مگر الحمدللہ یہاں پر قرو سے مراد دونوں ہیں، تین حیض بھی ہیں اور تین طہر بھی ہیں۔ کیسے؟ اس کو اب یوں سمجھے کہ ایک شوہر اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے، مسنون طلاق ہی کی بات چل رہی ہے، غیر مسنون یا باطل طلاق کی بات نہیں چل رہی ہے، مسنون طلاق دیتا ہے تو گویا کہ وہ طلاق کب دے رہا ہے؟ عورت حیض سے پاک ہو چکی ہے اور حالت طہر میں اس نے اپنی بیوی سے صحبت نہیں کی ہے، طلاق دے رہا ہے، گویا کہ اس کا پہلا طہر چل رہا ہے، ہے نا؟ اس کے بعد ایک حیض آ گیا، ایک طہر ہو گیا اور ایک حیض بھی ہو گیا، ہے نا؟ اس کے بعد دوسرا طہر شروع ہوتا ہے، اس میں بھی اپنی بیوی سے وہ جمع نہیں کر سکتا، مجامعت نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کو طلاق دینا ہے، ہے نا؟ ایک تو طلاق دے چکا ہے وہ، اب اس کو ہمیشہ کے لیے چھوڑی کرنا ہے، تو دوسرا طہر شروع ہو چکا ہے، اس کے بعد دوسرا حیض آتا ہے، اپنی بیوی سے جمع نہیں کرتا ہے، صحبت نہیں کرتا ہے، اس حالت طہر میں دوسرا حیض آ جاتا ہے، گویا کہ دو طہر اور دو حیض مکمل ہو گئے۔ تیسرا طہر شروع ہوتا ہے، بیوی سے جمع نہیں کرتا ہے، یہاں تک کہ تیسرا حیض آ جاتا ہے، گویا کہ تیسرا طہر مکمل ہو گیا، تب بھی وہ جمع نہیں کرتا ہے، اب اس تیسرے حیض کے بعد وہ بیوی اگر واقعی وہ طلاق دینے پر آمادہ ہے، ارادہ اس کا پکا ہے، عزم اس کا پکا ہے، عزم کر لیا اس نے، تو تیسرے حیض کے بعد طلاق پوری طرح واقع ہو جاتی ہے، اب وہ عورت کو حق ہے جس کا ذکر اللہ تبارک یہاں کہتا ہے اور کرتا ہے کہ وہ اپنے مطلب کسی اور کے ساتھ وہ نکاح کر سکتی ہے اپنے پہلے شوہر کو چھوڑنے کے بعد، طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ تو تین طہر تک اپنی بیوی سے جمع نہ کرے، وہ کہ تین طہر اور تین حیض، تیسرا حیض جب مکمل ہو رہا ہے تو تیسرا طہر بھی مکمل ہو رہا ہے، کیونکہ تین طہر اور تین حیض دونوں کا معنی ایک ہی ہے، صرف فرق اتنا ہے جو علمی اور زیادہ گہرائی والا ہے، وہ یہ جو علماء کے درمیان ہمیں ملتا ہے
वो ये कि जैसे ही तीसरा तोहर मुकम्मल हो गया तो उलमा कहते कि तलाक वाक्य हो गई। उलमा क्या कहते हैं, बाज उलमा ये कहते हैं तलाक वाक्य हो गई, जबकि तीसरा हैज अभी जारी है, हैज के लिए 5 दिन 6 दिन 7 दिन 10 दिन अभी बाकी है। जो हैज का माना लेते हैं इसमें 3 हैज, तीसरा जो हैज आता है वो कहता है जब तक वो हैज से पाक होकर नहा नहीं लेती, गुसल नहीं कर लेती, पाकी नहीं इख्तियार कर लेती, तब तक तलाक वाक्य नहीं होती। बस इतना सा फर्क है, यानी कि मुश्किल से ज्यादा ज्यादा 10 दिन का फर्क है अगर 10 दिन कोई औरत हैज से रहती है। और जाहिर सी बात है जब औरत हैज की हालत में आ जाए तो उससे न मुजामत की जाती है और न उस पर कोई तलाक वापिस से दोबारा दी जा सकती है। गोया की हालत है इसमें तो तलाक हो ही चुकी है, तोहर हो या हैज हो, जो उसने तलाक दी थी पहले तोहर में वो वाकया हो गई। ये मसनून तरीका है। अब जरा सा इस मसनून तरीके पर आप गौर करें वक्त और देखें कितनी गहरी हिकमतें हैं रब्बुल आलमीन की, जिसने इंसान को पैदा किया और उसका जोड़ा बनाया और कहा लितस्कुनु फीहा, ताकि तुम उसके जैसे सुकून हासिल करो। इंसान को उसका जोड़ा बनाया बीवी की शक्ल में, लाइफ पार्टनर की शक्ल में, और कहा ताकि तुम इससे सुकून हासिल करो। और यही मामला दोनों तरफ से, बीवी के लिए उसका जोड़ा बनाया गया ज़ौजुन, अरबी जुबान में ज़ौजतुन यानी बीवी, ज़ौजुन यानी शोहर। देखिए लफ्ज एक ही है, लफ्ज एक ही है, शोहर को ज़ौजुन, बीवी को ज़ौजतुन, यानी जोड़ा, बीवी का जोड़ा शोहर, शोहर का जोड़ा बीवी, यानी इसके बगैर ये नामुकम्मल और इसके बगैर ये नामुकम्मल, दोनों अधूरे हैं जब तक के दोनों आपस में न मिले। गोया के अल्लाह तबारक ताला ने जो इंसान को इसका जोड़ा बनाया वो बड़ा रब, जो रब है हकीम है, वो इंसानी जरूरतों को बहुत बेहतर जानता है। उसने मसनून तलाक का तरीका इंसानियत को दिया और कहा कि पहला तोहर है, तुम तलाक दे दो, यानी औरत हैज से पाक हो गई और तुमने मुजामत नहीं की है तो तलाक दे दो। मैं चाह रहा हूँ कि इस बात को थोड़ा सा और गहराई के साथ, बहुत सुकूनत के साथ इस बात को समझाना चाहता हूँ कि इन्हीं मसाइल पर आगे की सारी आयतें, गोया के 2 रुकू तक इन मसाइल पर करीब करीब अल्लाह तआला रोशनी डालता है, इसलिए इस पर थोड़ा सा सुकूनत के साथ इन बातों को समझाना चाहता हूँ। गौर सुने तो जो रब करीम, जो रब हकीम, जो हिकमत वाला रब है, उसने मसनून तरीका अपने बंदों को दिया। इसमें इस तरह है कि औरत हैज से पाक हो गई, ठीक है, अब एक शोहर ने अपने बीवी को कहा कि नहीं मुझे अब तलाक देनी, मेरा तुझसे निबता नहीं है, मेरा तुझसे निबता नहीं है, मैं तुझे तलाक दे देता हूँ, से तलाक दे दी। अब तलाक देने के बाद जैसा कि हमने मसला जाना इंशाल्लाह वह हदीस याद करके रखूंगा, पूरे 17, 18 दिन, 19 दिन, 22 दिन जब तक उसको दूसरा हैज नहीं आ जाता, शोहर की ये जिम्मेदारी है, खाविन की जिम्मेदारी है अपने बीवी के नान और नफ्ते की, खिलाने पिलाने की। तो गोया कि वो एक ही छत में दोनों मियां बीवी रहेंगे, मैं ज्यादा से ज्यादा मुद्दत 20-22 से सिर्फ समझाने के लिए एक फिगर इस्तेमाल कर रहा हूँ, 20-22 दिन अपनी बीवी के साथ शोहर रहता है, शोहर के साथ बीवी रहती है, दोनों बीच में क्या है, तलाक है, तलाक दे चुका है। तो बताइए क्या कुदरत इस बात की इजाजत देती है आदमी को, मर्द को, या क्या कुदरत इस बात की इजाजत देती है औरत को, जो कि दोनों अधूरे हैं, कि एक ही छत के नीचे भी रहे और दोनों आपस में दूसरे से रुजू न करें तनहाई में, या इशारतन किनायतन मजमिए में, अगर मियां बीवी है, मियां बीवी है, क्या ये हो सकता है? ये नामुमकिनात में की बातें हैं, नामुमकिनात की। अब जिनके पास मसनून तरीका ही नहीं है उनकी डिक्शनरी में तो नामुमकिन का लफ्ज ही नहीं है, उनके पास मसनून तरीका ही नहीं है, उनके पास तो नामुमकिन का लफ्ज ही नहीं है, क्योंकि वो तो झट से जिस तरह बकरे को हलाल किया जाता है
अपनी बीवी को हलाल कर डालते हैं, हलाल से मुराद हराम भी डालते हैं एक ही झटके में, जबकि झटके का ज़बीहा भी हलाल नहीं है इस्लाम में, मगर एक ही झटके में उसको डालते हैं। बहरहाल इंशाल्लाह इस मसाइल को हम आगे आएंगे तफसीली, मैं नहीं चाह रहा कि एक तरह के मसाइल को फौरन आपके आगे रखूँ, इंशाल्लाह दलाइल की रोशनी में, कुरान मजीद और अहादीस की रोशनी में, सहाबा के अकवाल, ताबईन तबे ताबईन, आइम्मा किराम और मुहद्दिसीन के अकवाल की रोशनी में इंशाल्लाह मैं इस तलाक के मसले को बड़े गहराई और गहराई के साथ आपके आगे इंशाल्लाह अपनी कोशिश करूंगा। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह, मेरी तौफीक नहीं है सिवाय अल्लाह की मदद की। तो अल्लाह बहुत तआला ने मसनून तरीका दिया, तो 20-22 दिन मियां बीवी की छत के नीचे रहते हैं। अब उसके बाद क्या होता है, औरत को हैज आ जाता है, 7 दिन 8 दिन 10 दिन वो हैज की हालत में, तब भी शोहर के अंडर में ही उसी घर में है। उसके बाद दूसरा तोहर शुरू हो जाता है, गोया के बेचैनी के दूसरे दिन शुरू हो जाते हैं, दूसरे मरहले दूसरा दर्जा शुरू हो जाता है, जिसमें बेकरारी बढ़ी हुई होती है शोहर में भी बीवी में भी, कुदरती तौर पर नेचुरली जिंसियत की एक आग दोनों तरफ से भड़की हुई होती है। फिर दूसरा तोहर शुरू होता है, न बीवी से मिल सकता है ना, और नहीं ये हिम्मत हो पा रही है कि मैं इसको तलाक दे दूं, ऐसे ख्यालात खुद ब खुद उसके जहन में घूमना शुरू हो जाते हैं कि इसको मैंने जो तलाक दी मैंने सही किया या गलत किया। दोनों के दोनों पछतावे की आग में जल रहे होते हैं, क्योंकि एक महीने से दोनों ने मुजामत तो नहीं किए, इंटरकोर्स नहीं किया है, सेक्स नहीं किया है, जिनसी ताल्लुक नहीं बरकरार रखे, तो दोनों के जहन में ये बेचैनी की आग लगी होती है कि हमने काम सही किए सही किया या गलत किया। उसका दूसरा तोहर मुकम्मल होने आ जाता है, मेरे को नहीं लगता कि इतना लंबा सफर कोई कर लेगा, अभी तो अभी बाकी है, अभी तो सफर बाकी है, मुझे लगता कि यहां तक भी शायद कोई पहुंच जाए। अफसोस है अफसोस, ये बात उस वक्त कहना पड़ता है जबकि एक साल भी नहीं हुआ तलाक की बारी आ गई, नौबत आ गई, उस वक्त कैसे आ गई यार, इस्लाम नहीं जानते, कुरान नहीं जानते, अहदीस रसूल नहीं जानते, कैसे आ गई नौबत, क्यों आ गई नौबत, क्या बेकरारी और बेचैनी की आग नहीं लगी थी, ये अल्लाह माफ करे बदगुमानी नहीं कर रहा हूं, क्या ये आग कहीं और बुझा रहे थे, तलाक की नौबत आई कैसे, क्यों आई। दूसरा तोहर मुकम्मल हो रहा है और शोहर अपनी बीवी से नहीं मिल पाया, एक ही छत में रहते हुए दूसरा हैज आ जाता है, हैज के दिनों में तो सबर कर रही है, न तलाक दे सकता है न ही मुजामत कर सकता है, इंटरकोर्स कर सकता है, बेचैनी की आग और बढ़ जाती है, बेकरारी की आग और भड़क जाती है, तीसरा तोहर शुरू हो जाता है कि अब तो बिल्कुल रहा नहीं जाएगा, हकीकत में अगर दोनों में मोहब्बत है, मैं तो कहता जहां मोहब्बत नहीं है वहां ये सारे मामला हो जाते हैं, यहां तो कुदरती तौर पर अल्लाह ने मियां बीवी के दरमियान मोहब्बत डाल दी है। हर खतीब जुमा अपने निकाह खुतबे क्या पढ़ता है, अल्लाह मोहब्बत डाल दे मियां बीवी के दरमियान, जिस तरह आदम और हवा के इस तरह कहते हैं आदम और हवा के दरमियान, फला और फला के दरमियान, मियां बीवी के दरमियान कुदरती तौर पर अल्लाह ने मोहब्बत डाली है। जहां मोहब्बत नहीं होती, जहां फर्ज कीजिए आदमी और औरत ने, या समझ में आने के लिए लड़का और लड़की में सख्त दुश्मनी है, अगर उन्हें अगर 3 महीने किसी कमरे में बंद कर दे, क्या दुश्मनी काम आएगी साहब, वहां पर सारे हुदूद फलांग कर वो जगह जा खड़े होंगे जहां खड़े रहने से मना किया गया है। यहां तो मियां बीवी सही जरिए से, हलाल जरिए से अल्लाह ने इन्हें एक दूसरे का जोड़ा बनाया, क्या 3 महीने एक कमरे में वो एक छत के नीचे रह सकते हैं, अकल ये कहती है कि ये नामुमकिनात में से है, मुश्किल नहीं, मुश्किल मतलब इसमें इस्तेमाल करना इसकी शान के खिलाफ है, अल्लाह तआला जो मसनून तरीका बतला रहा है इसकी शान के खिलाफ है, ये नामुमकिनात में से है, क्योंकि दोनों जोड़े हैं आप दूसरे एक दूसरे के, दोनों अधूरे हैं एक के बगैर एक। अब आइए जब ये मसनून तरीका समझ में आ गई, क्या होता है इस दरमियान, गोया कि इस मसनून तरीके में जब एक तोहर गुजर रहा है, दो तोहर गुजर रहे हैं, तीसरा तोहर जब गुजरने को आता है, और अगर
इस दरमियान पहले तौर में अगर अपनी बीवी से वो मुजामत कर लेता है, वो आके उसकी पहली जो उसने तलाक दी थी वो वाक्या तो हो गई, मगर वो जो तलाक थी वो तलाक रजई यानी रुजू करने वाली तलाक थी, उसने रुजू कर लिया। पहले तौर में अगर उसने तलाक दी थी, पहले तौर में बेकरारी की आग दोनों तरफ से थी, या कम से कम एक तरफ से भी हो, चाहे लकड़ी को आग खाए या आग को लकड़ी, बहरहाल दोनों तो जलना ही है, चाहे छुरी पर तरबूज गिरे या तरबूज पर छुरी गिरे, बहरहाल किसी न किसी एक को तो कटना ही है। अगर पहले तौर में अगर ये मामला हो जाए, शोहर बीवी से रुजू कर ले, बीवी शोहर से रुजू कर ले, तो गोया के पहली एक जो तलाक रुजू थी वो तो वाकई हो गई, मगर मियां बीवी जुदा नहीं रहेंगे। अब फिर से वही इनका मामला होगा, वही इनका फिर से घर बस जाएगा जो टूटने को था। अब क्या हो गया, पहले तौर में उसने शोहर ने तलाक दी थी, मगर पहले तौर में क्या हो गया, उसे रहा नहीं गया, मुजामत कर ली उसने अपनी बीवी के साथ, इंटरकोर्स कर लिया, उसके बाद पहला हैज आया, फिर इसके अंदर का शैतान जागा, अगर आज अब मुझे तो इसको छोड़ना ही है, तो गलती से कर लिया था मैंने। अब अगर उसने फिर दूसरे हैज के बाद उसने फिर तलाक दे दी, तो फिर उसको तीन तोहर इंतजार करना है। क्योंकि क्यों तीन तोहर इंतजार करना है, इसलिए क्योंकि अल्लाह ने जो बात कही, वला यहिल्लु लहुन अन यक्तुमन मा खलकल्लाहु फी अरहामिहिन, अल्लाह ने कहा इन मुतल्लका औरतों को हलाल नहीं है, जायज नहीं है कि ये उस चीज को छुपाए जो अल्लाह ने इनके पेट में रखा है। तो ये जो तीन तोहर का जो अल्लाह ने जो मसला बयान किया, इसलिए कि अगर औरत के पेट में कुछ रह जाए, हमल रह जाए, तो वह जाहिर हो जाए, ताकि बच्चा किसी और की तरह मंसूब न हो। इस वजह से इस आयत में हालांकि दो चीज उधर इशारा है, वला यहिलु लहुन अन यक्तुमन मा खलकल्लाहु फी अरहामिहिन, इन मुतल्लका औरतों के लिए जायज नहीं है कि वो छुपाए जो अल्लाह इनके पेट में रखा है, वो या कि हमल या फिर हैज, दोनों मामला है। अगर पहले दौर के बाद हैज तो नहीं आया, वह कहा हमल, तो औरत उसको छुपाए नहीं और ये कहे नहीं मुझे तो हैज आ गया, क्योंकि ये मामला क्या है, मक्तूनी है, छुपा हुआ है, गायबी है, कोई अंदर तक जाकर जानने की कोशिश नहीं करेगा कि हैज आया कि नहीं आया, औरत झूठ भी कह सकती है इस ताल्लुक से। अल्लाह ने सख्त वईद की, डराया और कहा, और ये भी शर्त लगाई, अगर तुम अल्लाह पर, उसके रसूल पर ईमान, अल्लाह पर और आखिर पर ईमान रखती हो, तो तुम्हें झूठ नहीं कहना चाहिए, जो तुम्हारे पेटों में है उसको बयान कर दो, या तो हमल है तो या हैज आया है तो, दोनों, क्योंकि हमल का मुतजाद हैज है, हैज का मुतजाद हमल है, जिसको हमल रह जाए उसको हैज नहीं आता, जिसको हैज आ जाए उसको हमल नहीं रहता, और दोनों एक साथ आ जाए तो वो मरीजा है, उसको डॉक्टर या डॉक्टरनी की जरूरत है, कहीं ना कहीं गड़बड़ होती है। तो अल्लाह ने क्या बयान किया कि इन लोगों को यह हक नहीं है कि जो अल्लाह ने उनके पेटों में रखा उसको छुपाए, इसमें हमल भी है और हैज भी है। तो औरत अगर हमल रह गया है तो कह दे क्या है, मुझे हैज आ गया है, तो इस तरह तीन महीने के बाद क्या होगा, झूठ बोलती रहेगी वो कि तीन हैज आ गए, जबकि उसको तीसरा चौथा महीना चलता होता है। इस दरमियान अगर उसने किसी और से शादी की, तो नुतफा इस आदमी का होगा, इस शौहर का होगा, और मनसूब किसी और की तरफ किया जाएगा। ये कबीरा गुनाहों में से है, कबीरा गुनाहों में से। इस पर तो काफी वईद है औरतों के ताल्लुक से, कुरान हदीस में आई है कि इस किस्म का काम ना करें। यहां तक के आप सल्लम को अल्लाह तबारक ताला ने सुलह हुदैबिया के मौके पर जो औरतें मुसलमान होकर ईमान वाली होकर आती हैं, तो अल्लाह ने यह शर्त भी लगाई कि इनसे इस बात पर हद लो कि ये झूठी गवाही ना देंगी और ऐसी बात न कहेंगी कि अपने दोनों पैरों के दरमियान से कोई झूठी बात न कहेंगी, यानी कि किसी की भी औरत किसी की तरफ मंसूब नहीं करेंगी, ये अल्लाह ने शर्त लगाई थी, तब जाके वो ईमान वाली होंगी। इसलिए यहां पर अल्लाह ने अयुमिनु अगर वो अल्लाह पर और आखिर पर ईमान रखती है तो उन्हें छुपाना नहीं चाहिए, हैज आए है तो भी बोलना चाहिए, हमल रह गए तो भी बोलना चाहिए।
यहाँ से एक मसला ये भी छोटा सा ही मालूम होता है कि औरत को अगर हैज आ जाए तो वो जो कहेगी उसको माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। यकीनन माना जाएगा जो वो कहेगी, क्योंकि उसकी तहकीक नहीं हो सकती या नहीं कर सकते। मालूम हुआ कि औरत अकेली भी ऐसे मामलात में खबर वाहिद के तौर पर या उसकी बात पर यकीन किया जा सकता है। दूसरा एक सवाल ये उठता है, तो क्या यहाँ पर औरत की तकलीद नजर आ रही है? सवाल है। अगर औरत कहे कि मैं हैज से हूँ, तब क्या हमने देखा नहीं है, तो क्या उसकी बात पर यकीन किया जा सकता? हाँ, यकीन किया जा सकता। क्या उसका क्या उस बात पर यकीन कर रहा है, तकलीद है? तकलीद से मुराद समझ रहे हैं, तकलीद है। हम कहेंगे तकलीद नहीं है, क्योंकि औरत का ये फितरी अमल है, हर औरत को हैज आता है। अगर कोई औरत कहे कि मुझे हैज आया है तो मान लेने में कोई हर्ज ही नहीं, क्योंकि औरत के साथ ये होता है। तकलीद कभी कभी ये हो जाती है कि आदमी कहे कि मुझे हैज आया है और बोले हाँ बिल्कुल सही बोल रहे तुम, क्योंकि इसकी हो ही नहीं सकता, फितरत के खिलाफ है। इसी तरह अल्लाह तआला ने क्या कहा, وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ، ان عورتوں کو نہیں چاہیے کہ وہ اپنے پیٹوں میں جو چیزیں انہیں چھپائے، چاہے وہ حمل ہو چاہے وہ حیض ہو، اگر اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہیں تو۔ اس کے اندر ایک مسئلہ ہمیں یہ معلوم ہوا جو میں نے کہا کہ حیض مسموع حیض کہتے ہی اس کو کہ حالت حیض سے پاک ہونے کے بعد حالت طہر میں شوہر اپنی بیوی سے مجامت نہ کرے اور طلاق دے دے، اور وہ بھی ایک تو مسنون طریقہ ہے۔ اس کے اندر ہم نے یہ بھی جانا کہ اس عدت میں، عدت کہتے ہیں تین طہر کو، تین حیض آنے کو، اس عدت میں بیوی کے نان اور نفقے کی ذمہ داری شوہر کی ہوتی ہے، وہ ایک ہی چھت کے نیچے رہتی ہے۔ اس تعلق سے حدیث سن لیں، موتا امام مالک کی حدیث ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ وہ راویہ ہیں، وہ کہتے ہیں انہا انتقلت حفصہ بن عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حین دخلت فی الدم من الحیضۃ الثالثہ۔ موتا امام مالک کی حدیث، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حفصہ بن عبد الرحمن بن ابی بکر، یعنی ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمن اور ان کی بیٹی حفصہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کون ہوئی؟ کون ہوئی؟ اپنے بھائی کی بیٹی ہے نا، بھتیجی۔ تو ان کو جب حیض کا حیض آیا، من حیض ثالثہ، تیسرا حیض جب ان کو آیا، انہوں نے انہیں حکم دیا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بڑی فقیہ ہیں الحمدللہ، آپ جانتے ہیں قرآن احادیث کے معاملے میں، مسائل کے بیان کرنے میں، اور اکثر احادیث عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں۔ انہوں نے حفصہ کو کہا کہ تو اب گھر بدلو، جس شوہر کے ساتھ تم رہ رہی ہو، انہا انتقلت، اب تم گھر بدلو اپنا، کیونکہ اب تمہارا تیسرا حیض آ چکا ہے، اب تم اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ اس حدیث کا کہ اس ٹکڑے سے، محترم مالک کی صحیح حدیث، اس ٹکڑے سے معلوم ہوا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے تیسرے حیض کے بعد حفصہ رضی اللہ عنہ کو الگ کیا اور کہا کہ اب تم الگ گھر میں رہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب تک تین حیض نہیں آئے تھے وہ اپنے شوہر کے ساتھ تھی، طلاق دے چکے تھے، تین حیض ہونے کے بعد وہ اپنے شوہر سے جدا ہوئی۔ اس سے جو نقطہ معلوم ہوا یہ کہ شوہر طلاق دینے کے بعد بھی بیوی اس کے گھر میں رہے گی۔ اب میں کہتا ہوں کہ آج ہمیں طلاق مسنون پر عمل کرنے کی توفیق کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ کیوں ہمیں طلاق مسنون پر عمل کرنے کا موقع نہیں مل رہا؟ اس لیے کہ میاں بیوی کے درمیان شادی ہو کے چھ مہینے ہو گئے، ایک سال ہو گئے، اکثر واقعات چھ مہینے، ایک سال، دو سال کے ہی ہوتے ہیں، میرے سامنے جہاں تک آئے، لمبی بھی ہو سکتے ہیں، مگر جلد بازی کے ایسے ہی واقعات آج کل سننے میں آ رہے ہیں، بالکل اورنگ آباد میں بہت زیادہ آ رہے ہیں۔ اس چھ مہینے، ایک سال، دو سال کے اندر میاں بیوی کے درمیان کچھ تو بھی چند باتیں انبن سی ہو جاتی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے، تو فوراً عورت یا لڑکی کیا کرتی ہے، مہکے چلی جاتی ہے ناراض ہو کر،
और माँ बाप क्या वो सब कुछ बोल देती है जो नहीं बोलना चाहिए, हर बात वो बोल देती है जो नहीं बोलना चाहिए, जिससे इख्तलाफात झगड़ा फसाद बढ़ सकता है बोल देती है। अब बोलते ही लड़की के बाप को ये अक्सर जो वाकयात हुए उनमें से ये बातें मैं निकाल रहा हूँ, हो सकता है ऐसा नहीं भी हुआ, बहुत सी जगह पे अक्सर जो वाकया सुनने में आते हैं जो लोग आके मेरे आगे बयान करते हैं उसके मुताबिक जो लड़की का बाप होता है वो तैश में आ जाता है। अच्छा दावा की औकात मेरी बीवी के साथ ये सुलूक करे, बैठ तू घर में, कोई जरूरत नहीं है, उसको समझ में आ जाएगा। बीवी को अपनी बेटी को बिठा लेता है घर में, छह महीने एक साल भी होगा शादी होके बिठा लेता, अब बिठा लेता अपनी बेटी को, उधर से दावा छह महीने से ज्यादा हो गया, बीवी चली जा रही, एक साल हो रहा है, बेचैन है, बेकरार है, सुशील साहब के हाथ पांव पड़ता, कभी बात बोलता है, कभी कुछ रिक्वेस्ट करता, कभी इसके अंदर में घमंड था, कपड़ा था, जा क्या होता है एक साल बाद देखेंगे। ऐसा करते करते एक एक साल गुजर जाता, एक साल तक दोनों तरह से किसी किस्म की कार्रवाई नहीं होती। जब लड़की वाले देखते हैं कि नहीं लड़के वाले में कोई हरकत नहीं हो रही है तो इनकी तरफ से कुछ हरकत होती है, जब लड़के वाले देखते हैं कि लड़की वाले तरफ से कोई हरकत नहीं हो रही है तो इनकी तरफ से कोई हरकत, एक एक साल के बाद अल्लाह हू अकबर। आपने ईला के मसाइल में सुना था कि अल्लाह ने कहा कि चार महीने से ज्यादा कसम न खाए, हमने उसके अंदर ये मसला भी आ रहा था कि हो सकता है कुदरती तौर पर औरत चार महीने से ज्यादा अपने शौहर से अलग नहीं रहना चाहती, नहीं उसकी फितरत में नहीं है, अब उसको एक साल से अलग रख रहे हैं, इसमें किसकी गलती है? माँ बाप की गलती है जिन्होंने अपनी बेटी को बिठा लिया और कहा कि हम इनके औकात बता के रहे। मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ लड़की माँ बाप की है, कभी कभी लड़के वाले भी कहते जा अपने मायके, हम बाद में देखेंगे तेरे को, हम भी बताते कि हम भी लड़के वाले हैं, ये कहकर भी सालों साल छोड़ देते हैं माँ बाप के पास, ये भी मुनासिब नहीं है। इस दरमियान क्या होता है, तलाक वसूलों का जिक्र ही नहीं उठता है, तलाक वसूलों का जिक्र नहीं उठता है, भले ही लड़का कितना भी बेचैन क्यों हो अपनी जौजह के लिए या लड़की कितनी भी बेचैन क्यों हो अपने जौजह के लिए, जौज के लिए कोई मौका ही नहीं है रुजू करने का, क्योंकि एक साल तक ये इधर है, एक साल तक ये इधर है। अब जब बारी आती है तो गुस्सा और तैश वाली झगड़ा और फसाद की, क्या आप तो हम तलाक लेकर रहेंगे, सीधा दोनों की मुलाकात होती है जहां इस्लामी शरीयत नहीं है कोर्ट में, वहां जाके फैसला होता है तुम दोनों अलग हो जाओ। अरे अल्लाह के बंदो, बिलखुसूस सरपरस्तो, रहम खाओ अपने आप पर, आखिरत में तुम्हारी पूछ होने वाले, इनका जो होगा होगा, अल्लाह तुमसे पूछने वाला है कि तुमने इनकी जिंदगी बर्बाद की, एक बार तो मौका देना था, जो भी गलतफहमी है इन दोनों के कमरे बंद करना था तीन महीने और नीचे से कैदियों की तरह खाना पार्सल करना था, फिर देखना था देखो मियां बीवी के अंदर मोहब्बत है या दुश्मनी है, तीन महीने के बाद बाहर निकालना था और फिर जानना था, फैसला करना था। मामूली सी मियां बीवी के दरमियान के झगड़े और उसको खानदानों के झगड़े बना दिए, मामूली से, मैं तुम्हारी औकात बता दूंगा, ये कहता है मैं तुम्हारी औकात बता दूंगा, हमारा खानदान किसी से कम नहीं, वो कहता हमारा खानदान किसी से कम नहीं, हमारे खानदान में बहुत सारे लोग पुलिस में, वो कहता हमारे खानदान बहुत सारे लोग कलेक्टर है। अरे तुम्हारे कलेक्टर, तुम्हारे पुलिस, तुम्हारे ऐसे चक्कर में बिल्कुल कम उम्र में ये विधवा हो रही है और ये बगैर बीवी के हो जा रहा है, जबकि कोई वजह नहीं है, कुदरती तौर पर एक बार ही मौका दे, एक चांस, सिर्फ एक तोहर दोनों के एक साथ रहने दो, फिर देखो कुदरत अपना क्या रंग दिखाती है, कैसी भी दुश्मनी क्यों ना हो ये मोहब्बत में बदलना ही बदलना है, क्योंकि ये नामुमकिनात में से है कि जौज और जौजा दोनों जो कि अधूरे हैं एक जगह रहे और आपस में मुजामत न करिए, नहीं हो सकता ये काम न करने की वजह से, मसनू तलाक का रिवाज न रखने की वजह से माशरे में भी बुराइयां बहुत ज्यादा फैल गई, माशरे में बुराइयां बहुत ज्यादा, जब बीवी उसके एक साल से ज्यादा मायके में बैठी हुई है ये क्या करेगा, बुराई में उतना होगा, जब उधर वो लड़की एक साल से ज्यादा अगर मायके में बैठी हुई है क्या करेगी, बुराई में उतना होगी, जिसका जाहिर समझ में आ रहा है कि बुरा है वहां कहो नहीं नहीं गलत नहीं सोचना, जो नफरत है वो मोहब्बत में जरूर तब्दील हो जाएगी। आइए इसी आज के दूसरे टुकड़े को हम समझ लें, वो बुउलतुहुन हक बिरुद्दिहिन फी ذلك इन अरादु इस्लाहा। अब जो शोहर है बुउलतुहुन, यानी इनके इन औरतों के जो शोहर है
उन्हें हक है रुजू करने का इस दरमियान यानी इस इद्दत के दरमियान, अगर वो इस्लाह चाहे। इन आवाज इस्लाह दोनों ही तरफ इशारा हुआ, शोहर तो खास है ही, शोहर को हक है रुजू का भी, शोहर को हक है तलाक का भी। इससे पहले मैंने इस मसले पर रोशनी डाली, शोहर को तलाक का भी हक है रुजू का भी हक है। तो शोहर अगर रुजू कर ले और इस्लाह दोनों तरफ इशारा किया गया, मियां भी दोनों चाहते हैं अपना घर बसाए तो आपस में रुजू करें, तो इसमें शोहर को अल्लाह ने हक दिया कि वो चाहे तो रुजू कर सकता। इस आयत के नुक्ते पर एक और नुक्ता गौर करें, वो ये कि وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ, शोहर को यह हक है कि वो अपनी बीवी को रुजू करे। हक किसको दिया अल्लाह ने? शोहर को। इसमें इद्दत के अंदर खाविंद को रुजू करने का हक है, और इस हक में रुकावट डालने की इजाजत औरत के वली को भी नहीं है। ये जो शोहर का हक है रुजू करने का, इस हक में रुकावट डालने की इजाजत औरत के वली को भी नहीं है, चाहे वो बाप हो या किसी का भी बाप हो, बाप हो चाहे किसी का भी बाप हो, उसको हक नहीं है कि इसके इस रुजू प्रोजेक्ट में रुकावट डाले, खलल डाले। ये सबसे बड़ा, माफी चाहता हूं मैं, कमीनापन है कि छोटी सी बातें हो और बेटी को ले जाकर बिठा दे साल साल भर, ये कमीनापन है, ये धोखा है, ये नियत में खराबी है, ये फसाद है, ये माशरे का बिगाड़ का असल मंबा जरिया है कि बेटी को ले जाकर एक साल तक बिठाए सिर्फ इस वजह से कि मेरी अना को ठेस पहुंची। अल्लाह ने कहा इसका हक किसी को भी नहीं है, सिर्फ शोहर का है, वो इस इद्दत के दरमियान रुजू कर सकता है। अब साहब अल्लाह पर माफी चाहता हूं, मैं बातें बहुत ज्यादा हो रही है। बाज नौजवान मेरे पास आए साहब दोस्तान जी ने तलाक हुई, सराज भाई मैं क्या करूं, मैं बार बार रात में फोन करता हूं कि इधर आके मिल उधर आके मिल, उसके बाबा छोड़ते नहीं। ये देखो एक तो ले जाके बिठा भी दिया अपने घर में बाप ने बेटी को, और इधर से फोन भी आ रहे हैं तो बेटी को छोड़ रहे भी नहीं है कि कहीं जाकर उससे मिले मुलाकात करे। खैर सिर्फ खुफिया आशाएं करने का नहीं, उन्हें मौका दो एक दूसरे से बात करने का, तुम खुद बिठाओ। ये सिर्फ अपनी अना खानदानी दुश्मनी की वजह से हजारों तलाक हो रहे हैं गैर मसनूना तरीके से, सुन्नत के खिलाफ, अल्लाह उसके रसूल से बगावत करके। अल्लाह ने कहा कि सिर्फ शोहरों को हक रुजू करने का, और इस हक में किसी को हक नहीं है कि रुकावट पैदा करे। ये थी एक टुकड़ा जो तलाक के तालुक से, इंशाल्लाह और तफसीली हम अगले दस में सुनेंगे। इंशाल्लाह तलाक के अंदर तीन तलाक किसको कहते हैं, इसके बहुत सारे मसाइल अगले दस में हम सुनेंगे, क्योंकि काफी हद तक दो रुकू तक तलाक के मसाइल पर ही रोशनी डाला है अल्लाह तबारक तआला ने। इंशाल्लाह उसको हम देखेंगे। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हमें सही तौफीक दे, नेक तौफीक दे कुरान को सुनने समझने की। वाखिरु दावाना अनिल हमदुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।